हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एस्केप विद पीके। सो आज मौसम बड़ा प्यारा है और सडन से हमारा प्रोग्राम बना कि चलो चलते हैं। हमें पता चला कि लेजर वैली ग्राउंड में कार्निवल लगा हुआ है, गुड़गांव कार्निवल। सो झट से प्लान बन गया और जो प्लान था वो जल्दी जल्दी इसलिए बन गया बिकॉज दिस प्लेस इज़ जस्ट 5 to 10 minutes फार फ्रॉम आर हाउस, इसलिए हमें रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कितनी ऊंची ऊंची राइड्स हैं, वो हम आपको पूरी अंदर जाके दिखाएंगे भी। तो चलिए अंदर चलते हैं और एंजॉय करते हैं गुड़गांव कार्निवल। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको कार्निवल के बारे में बता देती हूँ इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट विद योर फैमिली। ये 9th जुलाई को लगा था, टिल 31st जुलाई तक ये है और टाइमिंग्स जो हैं इसके 5 PM टू 11 PM है, इवनिंग टाइम है। और क्योंकि जो इसकी लाइटनिंग है रात को वो बहुत प्यारी है जैसा हमने सुना है। गाइस, टिकट्स के लिए लाइंस देख रहे हैं आप, कितनी ज़्यादा लाइंस हैं। क्योंकि हमारा सडन से प्रोग्राम बना तो हमने ऑनलाइन टिकट नहीं ली, बट हमें आइडिया नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। अब टिकट्स लेने के बाद प्रतीक लाइन में लग के टिकट्स लेके आए हैं और ये खड़े हैं विद अ स्माइल। तो टिकट हमें मिल गई है फाइनली। बहुत क्राउड था बट इट वाज वेल मैनेज। अगर आप देखोगे तो कैश की अलग लाइन है, कार्ड्स की अलग है, UPI पेमेंट्स की अलग लाइन है और ऑनलाइन की अलग लाइन है। तो 10-15 मिनट्स का वेटिंग में हमें टिकट्स मिल गई है। ये तो अब हम अंदर जा रहे हैं। कार्निवल के टिकट्स तो पता नहीं, बट यू फीलिंग आ रही है कि पता नहीं कौन सी टिकट लेके आए। सनाया, आर यू एक्साइटेड फॉर द कार्निवल? आप राइड्स खाने वाले हो, राइड्स लेने वाले हो? बहुत सारी, डर नहीं लगेगा आपको? मम्मा को तो बहुत। ये राइड्स लेके और मैं अंदर फूड स्टॉल की चीजें खाऊंगा।
सारी स्टॉल्स हैं, तो मैं एक स्टॉल पे हूँ, वहाँ पर है, उस काउंटर पे है नंदनी, और नंदनी बताएंगी। इनका स्टॉल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत इन्होंने चीज़ें हैं और सारी हैंडमेड है, तो मैं अभी आपको सब स्टफ़ भी दिखाती हूँ और नंदनी से मिलाती हूँ। नंदनी अपने बारे में बताएंगी और अपने लाइक बिजनेस के बारे में बताएंगी। हाँ जी, ये सब हैंडमेड है, ये हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, ये हैंड मग सब हैंडमेड है, हाथ से बनाए हुए डिजाइन। कितना प्रिटी है, कितना ब्यूटीफुल है। और ये देखिए, ये मुझे ये जो तीन पॉट सेट है मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, इसका कलर बहुत ही प्यारा है। थैंक यू। ये देखिए कितना प्यारा प्यारा है। ये देखिए फ्रेंड्स, दिस इज अ काउंटर ऑफ सीनरीज एंड यू कैन बाय डायरीज फ्रॉम हियर। कितने सो गाइस, यहाँ पर एक स्टॉल है, सूट्स की स्टॉल है। मुझे यहाँ के सूट्स कलेक्शन बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने कहा चलो भैया से बात करते हैं, वो बताएंगे कि अपने उनकी शॉप कहाँ है एग्जैक्टली, और आप कहाँ से इतने सुंदर सुंदर सूट्स बाय कर सकते हैं। दीदी मेरी शॉप जड़ी हैगी ना, दीदी मेरी जड़ी शॉप हैगी ना, वो नजाकत ना तो हैगी है, ठीक है, और दिल्ली कोल्हापुर रोड पर हैगी है, ठीक है, और कमला नगर मार्केट में। दीदी ये चंदेरी सूट है, ठीक है, इनका दुपट्टा बहुत फाइन है, देखो। दीदी लाइनिंग बॉटम दुपट्टा सब कुछ साथ में है, अलग से आपको कुछ नहीं लेना। ओके ओके, एंड दिस वन दीदी, ये देखो एकदम पीस, देखो दीदी पीस की गेटअप देखो, एंड दिस वन दीदी देखिए इनके सूट्स कलेक्शन में आपको दिखाती हूँ। अच्छी कलेक्शन है, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप नज़ाकत से जाके सूट्स बाय कीजिए। दिल्ली कमला नगर में इनकी शॉप है और होलसेल प्राइस रिटेल शॉप है, तो डेफिनेटली आप यहाँ से जाके सूट्स बाय कर सकते हैं। तो आप सिर्फ सूट्स है या साड़ीज एंड वेस्टर्न भी है दीदी, ठीक है, वेस्टर्न में ऊपर शोरूम बहुत बड़ा है ना, ऊपर वेस्टर्न है, नीचे अपना इंडियंस है, लहंगा चोली सब ए टू जेड कम्प्लीट, गरारे सारा कुछ है। अच्छा, ठीक है दीदी, ठीक है। और दीदी बच्चे यहाँ से सब तो अच्छी बुक्स है, रियूजेबल प्रैक्टिस बुक लिखो और वाइप करो, राइट करो एंड वेट क्लोज। देखो भाई, हमारी तरह से तो लास्ट राइड है, बट सनाया बताएगी कि लास्ट है या नहीं। अब सनाया, कबीर और उनके पापा जा रहे हैं कैमल राइड पे। सनाया ये लास्ट राइड है ना, सनाया थक गए यार बहुत, इसके बाद कुछ और, क्योंकि सनाया को कल स्कूल तो जाना नहीं है। जाना है तो फिर दिस इज लास्ट, ओके। एंड कबीर इज ऑल्सो गोइंग ऑन द कैमल राइड। कबीर क्या कहा था, अभी टाइम हो गया 11:40 और हम अभी बाहर आ गए हैं, कार में बैठ गए हैं। इसी के साथ हम इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। इट वाज अ वंडरफुल संडे इवनिंग स्पेंट विद फैमिली। तो सो सनाया, डिड यू एंजॉय? यस।
यस, बट सुनाया का थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है। बहुत थक गए हैं आज, एक्चुअली क्राउड कुछ ज्यादा ही था। बहुत ज्यादा था। एक एक राइड के लिए हमें लिटरली मतलब एक एक घंटा का वेटिंग था, बट वर्थ इट, मजा आ गया। टायर्ड है बट एट द एंड ऑफ द डे यार, और बच्चों के साथ राइड करके हमने भी अपना बचपन जी लिया दोबारा से। यस, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।